तो जीएसटी ऑफलाइन टूल आपको इंस्टॉल करने के लिए अगर देखा जाए तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को मैंने कैसे खोला, जीएसटी ऑफलाइन टूल आप लिख के सर्च करिए और उसके बाद पहला लिंक जो आएगा जीएसटी ऑफलाइन टूल का उस पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आप एक डाउनलोड बटन देख रहे होंगे, ये इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करने पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब आप अपना आइडेंटिफाई करिए फोल्डर जहाँ पर आपका डाउनलोड हुआ है, वो आप सब डाउनलोड्स में जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ नहीं रखूँगा, मैं इसे डेस्कटॉप पे लेके जाऊँगा इस फाइल को, और फिर ताकि आसानी से एक्सेस किया जा सके इसे, और फिर इसे राइट क्लिक करें एक्सट्रैक्ट टू दैट फोल्डर। तो उसके बाद आप इसे खोलें, इसमें आपको इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूटेबल मिलेगी, ये वाली एग्जीक्यूटेबल। इसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें या डायरेक्टली डबल क्लिक करें, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। तो आप इसे इंस्टॉल करिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पाथ सी था, जीएसटी ऑफलाइन टूल। सो इस पाथ पे इंस्टॉल हो रहा है ये। तो दिक्कत ये आ रही थी लोगों को काफ़ी, कि जब उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना शिफ्ट किया, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 पे किया या फिर विंडोज़ 8 से विंडोज़ 10 पे किया, तो हुआ क्या कि उनके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि सब कुछ, जितनी भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, वो सब एक ही वीडियो से सॉल्व करी जा सके। तो ये इंस्टॉलेशन हो गया है, अभी एक चीज़ और इंस्टॉल हो रही है ये, अच्छा नोट जेएस, ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड टूल है जो ये इंस्टॉल कर रहा है। इसको इंस्टॉल होने का वेट करते हैं 2-3 सेकेंड और। बस इसे इंस्टॉल होने के बाद नॉर्मल पॉपअप कि इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद आप इसे वेट करिए और फिर फिनिश कर दीजिए। फिनिश बटन पे क्लिक, फिनिश पे क्लिक करिए, और उसके बाद ये एक रीडमी है जो आप पढ़ सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, हालांकि मैंने आपको बता दिया कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो ये FAQ आप अगर देखना चाहें तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस टूल के बारे में। और उसके अलावा ये GSTR1 और GSTR2 में प्री डिफाइंड फॉर्मेट में एक्सेल्स पड़ी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे छोड़ते हैं यहीं पर, अब मेन चीज़ पर आते हैं कि ये टूल चलेगा कैसे। तो आपको करना ये है कि इस पे एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए या फिर डायरेक्टली ओपन करिए। तो ये स्टार्ट करेगा एप्लीकेशन, पर ये एप्लीकेशन चलेगी नहीं ढंग से। बहुतों को यही दिक्कत आ रही है कि उनका सबसे पहला स्क्रीन ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसी दिक्कत के लिए सोल्यूशन मैं बताता हूँ अभी। तो आप इस वीडियो को खोलिए और इसे देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा कि दिक्कत कैसे सॉल्व करी जाए। आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहे हैं अगर इसे, तो भी काम नहीं करेगा ये, ये फिर से वहीं जाके अटक जाएगा और एक प्लेन वाइट स्क्रीन आएगी जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे सही करने के लिए आप इसका फाइल लोकेशन खोलिए, यहाँ पे इसका टूल की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो इन एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली एप्लीकेशन रन कर रही हैं। अब आप सर्विसेज में जाइए, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में सर्विसेज टाइप करिए, और सर्विसेज टाइप करके ये बेसिकली आपकी सारी सर्विसेज हैं जो सिस्टम पे एक समय पे चल रही होती हैं। तो आप इस पे आइडेंटिफाई करिए GST ऑफलाइन, और इस पे देखिए ये चल नहीं रही है, ये रुकी हुई है। हालांकि इस पे स्टार्टअप ऑटोमेटिक है पर ये रुकी हुई है, और इस सर्विस का चलना बहुत ज़रूरी है इस टूल के लिए। तो आप इसे स्टार्ट पे क्लिक करिए और स्टार्ट करिए। बहुत लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि दिक्कत यहाँ से आ रही है पर स्टार्ट नहीं हो रहा, और ऐसा एरर आ रहा है कि फ़ाइल नहीं मिल रही उसे। अक्सर ऐसा भी एरर आता है कि एक्सेस डिनाइड है फाइल को। तो क्योंकि फ़ाइल नहीं मिल रही है तो पुल लोकेशन की कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो आप ज़रा इसे चेक करिए और देखेंगे अगर यहाँ पे, तो इसमें पाथ कुछ और आ रखा है एग्जीक्यूटेबल का। तो मेजर दिक्कत यहीं पे आ रही है कि पाथ गलत है। अगर पाथ सही होगा तो शायद चल सकता है। तो हम कोशिश करते हैं इस पाथ को चेंज करने की, और उसे कैसे चेंज करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ।
तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए सर्विसेज पे। आप रन लिखिए और रन लिखने के बाद यहाँ पर रेग एडिट लिखिए, REGEDIT। आप इसे टाइप करिए और एंटर मारिए। ये आपका रजिस्ट्री एडिटर है, तो मैंने पहले से ही खोल रखा था इसे, तो इसलिए ये डायरेक्ट वहीं पे चला गया। पर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ, ये रजिस्ट्री की जिसमें एंट्री करनी है आपको वो कहाँ पे है। सिस्टम में एच की लोकल मशीन्स के अंदर आपको खोलना है करंट कंट्रोल सेट, इसमें चाहिए। और फिर करंट कंट्रोल सेट में आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए एक फोल्डर होगा, आप उस सर्विसेज वाले फोल्डर को खोलिए, उसमें देखिए ये रापात आपको नीचे भी लिखा आ रहा है। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें GSTOffline64 होगा। अगर आप यहाँ देखें तो इमेज पाथ आपकी लिखी हुई है GSTOffline, जो कि गलत है क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने देखा था कि सी ड्राइव पे था सारा कुछ। अगर आप एग्जीक्यूटेबल देखेंगे कहाँ पे रहती है उसकी, NSSM.exe, तो आप देखेंगे वो इस पाथ पे है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आके इस पाथ का कॉपी करके आप यहाँ पे इसमें सी ड्राइव लिख दीजिए, क्योंकि पूरा पाथ बाकी सेम ही है। तो आपको बस यहाँ पे डी को सी से रिप्लेस करना है और आपका काम हो जाना चाहिए। आप सी से रिप्लेस करिए, सेम चीज़ GSTOffline के लिए भी करनी है। और GSTOffline के लिए करने के बाद आप उसे ओके क्लिक करिए, बस ओके क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए या मिनिमाइज़ कर दीजिए अभी के लिए, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है कि क्या पता कोई और दिक्कत आए। अब यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए और स्टार्ट करिए सर्विस। जब आप सर्विस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रनिंग स्टेट में आ गया। तो अगर स्टेट में आ गया इस रनिंग के, तो शायद इश्यू सॉल्व हो गया है। तो हम अब जाएंगे और हम उसे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। थोड़ा इंतज़ार करते हैं स्टार्टिंग एप्लीकेशन। तो आप देखिए कि यहाँ पे सारा कुछ दिख आ गया है, प्रेजेंट हो गया है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं आप अपना ITR। तो दोस्तों यही थी वीडियो, आप मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।